झोने की सीधी बिजाई नूं लैके आम आदमी पार्टी के विधायक लगातार एक्शन मोड दे विच नजर आ रहे ने। किधरे विधायकों वालों खुद ट्रैक्टर चला के झोने की सीधी बिजाई की जा रही है, किधरे विधायक किसानों नूं उत्साहित करने के लिए उन्हां दे खेतां दे विच पहुंच रहे ने। इस मौके ते तस्वीरां सामने आईयां ने कैबिनेट मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर दियां, जो अपने विधानसभा हलका पट्टी दे विच पहुंचे ने, जिथे उन्हां वालों किसानां नूं सीधी बिजाई दे लई उत्साहित किया जा रहा है। दस दिए कि ट्रांसपोर्ट मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ते खेतीबाड़ी ते किसान भलाई विभाग वालों हलका पट्टी दे वख-वख पिंडां दे विच झोने की सीधी बिजाई की शुरुआत की गई है, जिस दे तहत पिंड सरहाली मंड विखे अज कैबिनेट मंत्री पहुंचे ने। उन्हां वालों आखिया गया है कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान वालों पंजाब दे पानी नूं बचाउण दे लई किसानां नूं झोने की सीधी बिजाई दे लई अपील की गई है, जिस दे विच किसानां दे पूरे सहयोग की जरूरत है। कैबिनेट मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर वालों आखिया गया है कि ओह तां इह चाहुंदे ने कि सारी दी सारी जमीन दे उपर ही पंजाब दे विच झोने की बिजाई सीधे ढंग दे नाल कीती जावे, तां जो पानी की बचत हो सके। मंत्री साहब, अज आपां कित्थे पहुंचे ते किस तरीके नाल झोने की बिजाई हो रही है? हलका पट्टी के वख-वख पिंडां दे विच अज झोने की सीधी बिजाई हो रही है। तो अज सराली मंड के शाह परिवार के दिलबाग सिंह शाह, जिन्होंने अपनी पैली का अद्धे तो वध रकबा जिहड़ा सीधी बिजाई झोने दिया जिहड़ा कर रहे हैं, तो मैं इन्हां नूं शाबाश देना। तो हरेक किसान नूं यह बेनती भी करदा कि आपां झोने की सीधी बिजाई करिए, जो पानी का लैवल, पानी की बचत हो सके, समय की बचत, पैसे की बचत, हर पास्यों बचत आ। तो जिन्नियां नदीननाशक स्प्रेयां करनियां पैणियां, कीड़ेमार दवाइयां दीआं स्प्रेयां करनियां पैणियां, उन्हां स्प्रेयां तों वी आपां नूं सीधी निजात मिल सकदी आ। तो एक एकड़ पिछे स्प्रेयां, कीड़ेमार दवाइयां, नदीननाशक दवाइयां की गल कर लईए, कद्दू करन की गल कर लईए, जिहड़ा आपां कद्दू करके झोना लाउने आ, घट तो घट 6 तों 7 हज़ार रुपया पर एकड़ जिहड़ी बचत आ। तो एक जिहड़ा जमीन ते कड़ वाजां दा जदों आपां कद्दू करदे आ, उह कड़ तों वी निजात मिल जू, जमीनां खुल्लियां रहणगियां, जमीन का झाड़ भी वधेगा, जमीन की जिहड़ी उपजाऊ शक्ति उह भी वध होवेगी। पंजाब दे विच किन्ने एकड़ समझ सकदे आपां, किन्ने एकड़ जिहड़ी केर के झोने की फसल लगाई जा रही? देखो, पंजाब सरकार वालों तो यह कोशिश आ, मानयोग मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जी वालों ये पहली बार उपराला किया गया कि 1500 रुपया प्रति एकड़ हरेक किसान जिहड़ा सीधी बिजाई करेगा उहदे खाते च यह राशि जाएगी। कोशिश ये करते हैं कि सारी की सारी जमीन जिहड़ी सीधी बिजाई होवे, तां जो पानी की जिहड़ी बचत है 50% पानी की बचत सीधी बिजाई दे राहीं हो सकती है। मंत्री साहब, जिदा हरियाणे दे विच 4000 रुपया दिता जा रहा है, कि पंजाब सरकार भी कुछ वधा सकती? देखो, पंजाब सरकार ने पहली बार ये किया कि 1500 रुपया प्रति एकड़ दिता। ये बारे पंजाब सरकार ना मानयोग मुख्यमंत्री साहब ना सलाह मशवरा करांगे, जो पंजाब सरकार दा होवेगा अगला स्टैप वह दस दिता जाएगा। इस मौके ते खेतीबाड़ी ते किसान भलाई विभाग के मुख खेतीबाड़ी अफसर जगविंदरजीत सिंह भी हाजिर रहे, जिन्हां वालों पंजाब दे किसानां नूं झोने की सीधी बिजाई नूं लैके खास संदेश भी दिता गया है। उन्हां वालों जानकारी सांझी कीती गई कि रेतली धरती दे उपर झोने की सीधी बिजाई नहीं हो सकती, तां ओह अजिहे किसानां नूं जरूर संदेश देना चाहुंदे ने कि जिथे रेतली जमीन है उथे इस ढंग की वरतों ना कीती जावे। ब्लाक पट्टी विखे सरदार चरण सिंह जी दे खेतां दे विच सीधी बिजाई कर रहे हैं। इह जिहड़ी सीधी बिजाई आ ओह साडे सत्कारयोग जी मंत्री साहब सरदार लालजीत सिंह जी भुल्लर साहब, इस तों पहलां अही सराली मंड विखे शाह जी दे फार्म विखे बिजाई मंत्री साहब करा के आए आ अपने हत्थी। मैं किसान भरावां नूं अपील करदा वां कि चानण सिंह जी दे वल्लों सारे प्रेरित हो के वध तों वध जिहड़ी आपां इह सीधी बिजाई करिए। पंजाब सरकार जिहड़ी आ ओह 1500 रुपया प्रति एकड़ जिहड़ी आ ओह इस दे विच किसानां नूं जिहड़ी आ सहूलत दे रही आ। इस तों इलावा जिहड़ी आ ओह किसानां दी जिहड़ी लेबर तों बचत हुंदी आ, जिहड़ी लेबर दी आपां नूं उडीक करनी पैंदी आ, ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲਦਾ ਵਾ। ਫਿਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਜਦੋਂ 15 ਜੂਨ ਜਾਂ 17 ਜੂਨ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਲੇਬਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਬਿਜਾਈ ਕਰ ਲੈਣੀ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਾਈ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀ 17 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਾਂ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਰਵਾਈ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਸਵੇਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਹੀ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ, ਚਾਨਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ,
सारे जिन्ने गांव के किसान आ उन्हों का धन्यवाद करता कि मंत्री साहब ने टाइम दिता। मंत्री साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। वाहगुरू जी का खालसा। एक चीफ साहब, कोई हर एक जमीन के सीधी बिजाई की जा सकती है कि जहाँ कोई जमीन की किस्म हैगी जिते कि सीधी की जाती सीधी नहीं करनी चाहिए? जिहड़ियां रेतलियां जमीन वा उस अं कहने भी वह परहेज करो। जी अपनी ये जी जमीन आ मैरा जमीन जड़िया वा इन्हों के ये जी बिजाई सीधी हो सकती है। जी रेतलियां जमीन वो जी घाट बहुत ज़्यादा आँदी है, वो जिंक की घाट बहुत आँदी है, लोहे की घाट आ जाती है। फिर जी यूरिया की खपत है वो जिनी मर्जी करी जाइए वह भी नहीं पूरी होंगी। इस करके अं किसान भरावों अपील करते हैं भी जल्कि जमीन वो ये बिजाई ना की जाए। इस मौके ते किसानां वल्लों आखिया गया कि अज 8 एकड़ दे करीब जमीन दे उपर झोने दी सिद्धी बिजाई कीती गई है। उन्हां वल्लों पहली बार इस तकनीक दी वरतों कीती जा रही है, पर पंजाब दे विच पानी दी बचत करन दे लई ओह अपना पूरा सहयोग देना चाहुंदे ने अते इस लई उन्हां वल्लों इस तरीके नूं इस बार अपनाया गया है। असीं लगभग इत्थे टोटल 7 to 8 एकड़ जिहड़े सिद्धी बिजाई कर रहे हां। तो इस किस तरह के जोड़े तुम फायदे जी पानी की जिदा? देखो जी, पानी का तुम्हें पता ही पदर दिनों दिन थले जा रहा है, तो सो असं भी चाहते हैं कि इस पानी बचाने अपना योगदान जिन्ना भी वो पाया जाए सब तो वधिया है। किन्ने खर्चे की बचत होंगी गरीब तुम चुना? देखो जी, एक तो यहाँ लेबर की बचत होंगी है, जोड़ा कद्दू करते डीजल ज़्यादा वो लगता वो बचत होंगी है, बाकी होर भी दवाइया की घट लौड़ पी सू। ₹1500 ਦੇਣਗੇ।